लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी में लोग जुटे हुए हैं। सोमवार से कद्दू भात के साथ ही विधिवत वर्ष की शुरुआत हो गई, जिसके लिए जिले की नदी तालाबों में घाट का निर्माण व साफ सफाई की जा रही है। अररिया की नहर पर भी साफ सफाई जोरों पर है। कुछ साफ सफाई नगर परिषद के द्वारा कराई गई, तो वहीं कुछ कई जगहों पर घाट की सफाई करते ही लोग स्वयं नजर आए, तो कहीं मजदूर लगाकर साफ सफाई का कार्य करवाया जा रहा है। घाट की सफाई के लिए जिले से लेकर प्रखंड क्षेत्र के अधिकारी जायजा ले रहे। नहर सहित कई जगहों पर परिषद अध्यक्ष के द्वारा स्वयं जायजा लिया गया और कई निर्देश दिए गए। जिले में छठ का बाजार सज गया है। बाजारों में नारियल से लेकर सभी चीजों की दुकानें सज गई हैं। वहीं छठ को लेकर बांसों से बनने वाले सूपों की बिक्री भी जोरों पर है। सूप बनाने वाले श्रद्धा भाव से सूप बनाते नजर आए। साफ सफाई मतलब कि कुछ नगर परिषद के द्वारा करवाया गया है और कुछ ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और आप लोग अपने से करवा रहे हैं? हाँ, जिन घाटों को छोड़ दिया गया है वे लोग जिनका जिनका घाट है वे खुद अपने से साफ कर रहे हैं। हर साल की तरह देखते हैं नगर पालिका के तरफ से सफाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। इस तरह से हमारे घाटों पर कभी सफाई का कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। हम लोग उम्मीद किए थे नगर परिषद के द्वारा यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई होती, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ है साफ सफाई। नगर परिषद को इस पर ध्यान देना चाहिए।